तो नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जसनाथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल के वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, या जिसको बोलते हैं हम लैब में सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मूलकों का आप परीक्षण करते हैं उस समय ज़रूरत पड़ती है सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष की। तो किस प्रकार से बनाते हैं इसकी विधि आज हम पढ़ेंगे। तो एक भाग लवण व तीन भाग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो एक भाग लवण व तीन भाग सोडियम कार्बोनेट तथा 10 से 12 ml आसु जल एक कथन नली में लेकर 10 से 12 मिनट तक उबालते हैं। हम एक भाग लवण लेंगे, तीन भाग सोडियम कार्बोनेट तथा 10 से 12 ml आसु जल एक कथन नली में लेकर 10 से 12 मिनट तक उबालेंगे तथा उसे फिल्टर पेपर या पंप से सानते हैं। प्राप्त सनिक सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कहलाता है। ये केवल छोटी सी परिभाषा है, आप एग्जामिनर को वाइवा में बता सकते हैं कि एक भाग लवण व तीन भाग सोडियम कार्बोनेट तथा 10 से 12 ml अशुद्ध जल एक कथन नली में लेकर 10 से 12 मिनट तक उबालते हैं तथा इसे फिल्टर पेपर से सानते हैं। प्राप्त सनिक सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कहलाता है। अर्थात ये क्यों बनाया जाता है? तो लवण में उपस्थित जो अम्लीय मूलक है उनकी सांद्रता बढ़ाने के लिए और क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाया जाता है। तो ये दोनों लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ाने के लिए और क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाया जाता है। नीचे कुछ अभिक्रियाएँ दी गई है, आप इनको भी याद कर सकते हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl अवशेप और विलेय प्राप्त होता है। तो अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ाने के लिए और क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाया जाता है, जिसको हम सोडा निष्कर्ष कहते हैं। और इसकी बनाने की विधि भी बहुत सिंपल है, जो मैंने बता दी। इसके नीचे स्टार लगाकर कुछ और लाइनें लिखी हुई है, जो अभिक्रिया है। आपको कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं तो उसमें कोई भी एक अभिक्रिया बताइए, तो आप बता सकते हैं। नीचे स्टार लगाकर लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में सोडियम अम्लीय मूलकों के साथ क्रिया करके सोडियम विलेय लवण बनाते हैं। अर्थात जो सोडियम है वो अम्लीय मूलकों के साथ क्रिया करता है तथा दूसरा कार्बोनेट है वो क्षारीय मूलकों के साथ क्रिया करके अविलेय क्षारीय कार्बोनेट बनाते हैं। ये भी लाइन है, आप एग्जामिनर को बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं तो उसमें सोडियम है वो अम्लीय मूलकों के साथ क्रिया करता है और सोडियम विलेय लवण बनाता है तथा कार्बोनेट है वो क्षारीय मूलकों के साथ क्रिया करता है तथा अविलेय क्षारीय कार्बोनेट बनाता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष है, इसके बारे में क्लास 12th हो या आपकी BSc हो, 100% वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष आपने बनाया है वो किस प्रकार से बनाया है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है कि अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ाने के लिए और क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं। तो सानने पर जो अविलेय क्षारीय कार्बोनेट फिल्टर पर रह जाते हैं तथा विलेय सोडियम लवण है वो सनक में आ जाते हैं, अतः अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ जाती है, क्षारीय मूलकों की सांद्रता घट जाती है। इसमें यह प्रोसेस बताया गया है कि किस प्रकार से अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ती है और किस प्रकार से क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटती है। इस सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में कार्बोनेट का निष्कर्ष नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट उपस्थित रहता है। तो कार्बोनेट का इसका निष्कर्षण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट उपस्थित रहता है। और इसमें बताया गया है कि अविलेय क्षारीय कार्बोनेट फिल्टर पर रह जाते हैं तथा विलेय सोडियम लवण है वो सनक में आ जाते हैं, अतः अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ जाती है और क्षारीय मूलकों की जो सांद्रता है वो घट जाती है। तो ये BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए जिसमें भी मूलक है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष या सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो आप बता सकते हैं कि अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ाने के लिए और क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटाने के लिए। ये एक स्पष्ट लाइन याद रखें कि अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ाने के लिए और क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं। और इसके बनाने की पूरी विधि मैंने बता दी कि एक भाग लवण और तीन भाग सोडियम कार्बोनेट, तो इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि किस प्रकार से यह उपयोग में आता है। तो ऋणायनों का विलयन में परीक्षण करते समय कभी कभी मिश्रण के विलयन में उपस्थित धनायन बाधा उत्पन्न करते हैं। ऋणायन और धनायन के बारे में मैं और वीडियो लेकर आऊँगा कि ऋणायनों का विलयन में परीक्षण करते समय कभी कभी मिश्रण में
उपस्थित धनायन बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे सिल्वर आयन युक्त विलेय में सल्फेट का परीक्षण करने के लिए जब बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो AgCl का श्वेत अवशेष आता है जो सल्फेट के अनुपस्थित होते हुए भी उसके उपस्थित होने का भ्रम उत्पन्न करता है। अतः ऋणायनों के सही परीक्षण के लिए आवश्यक है कि ऐसा विलयन तैयार किया जाए जिसमें ऋणायन की सांद्रता अधिकतम हो और धनायन की सांद्रता न्यूनतम हो। ये उल्टे हैं, जो ऋणायन और धनायन अम्लीय और क्षारीय मूलकों के आपस में उल्टे हैं, इसके लिए मिश्रण का सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं। तो इसमें जो लास्ट में दो तीन लाइनें लिखी हुई है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऋणायनों के सही परीक्षण के लिए आवश्यक है कि ऐसा विलयन तैयार किया जाए जिसमें ऋणायन कहते हैं अम्लीय मूलकों को और धनायन कहते हैं क्षारीय मूलकों को। तो ऋणायन की या अम्लीय मूलक की सांद्रता अधिकतम हो और धनायन या क्षारीय मूलकों की सांद्रता न्यूनतम हो, इसके लिए मिश्रण का सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कभी कभी सही परीक्षण के लिए आवश्यक है कि ऐसा विलयन तैयार किया जाए ऋणायन कहते हैं अम्लीय मूलकों को और धनायन कहते हैं क्षारीय मूलकों को। तो इसके लिए मिश्रण का सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं। अतः अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ाने के लिए और क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटाने के लिए, तो ये दो लाइन आप याद रखें। बिल्कुल सिंपल है कि अम्लीय मूलकों की सांद्रता बढ़ाना, क्षारीय मूलकों की सांद्रता घटाना, और इसके लिए मैंने विधि बता दी। तो अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज हमने सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष के बारे में बात की। तो आपके प्रैक्टिकल होली के बाद स्टार्ट होने वाले हैं, और जो मैंने डेट बता दी 22 मार्च, और जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल है उनके लिए अलग से डेट शीट जारी होगी। अब कब होंगे, हो सकता है किसी के 22 से होंगे, किसी के 28 के होंगे, आपके यूनिवर्सिटी रोल नंबर के अनुसार आगे से कभी भी डेट आ सकती है। और JNU से संबंध जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लगभग एक सप्ताह बाद में स्टार्ट हो सकते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन उनके कॉलेज में मिलेगी, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनकी यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर मिलेगी। और आपको प्रैक्टिकल के बारे में मैं बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।